इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पप्पू यादव। पप्पू जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने एक तरह से अपनी 5 साल के आगे की योजना भी सदन के सामने रखी है। देखिए, 10 सालों में ODF हुआ, कहीं पर दलित SC ST के घर में जाके बोल, मैं चैलेंज करता हूँ बिहार में, जल नल हुआ, मणिपुर की घटना पर महिला सशक्तिकरण को क्या बोलूँ, कहाँ बिहार में IIT खुला, कहाँ पर एक IIT दी गई, कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, गडकरी जी के विभाग को छोड़ो, अब कौन सी बात कर रहे हो, हजरा साहब उठा दो, और अब अभी भी ये पार्टी एजेंडा चलाएंगे, अब नीट्स के मामले में 10 साल आप क्या कर रहे हैं, नीट का तो जवाब भी दिया कि ये देखिए कड़ा कानून बना दिया है, जो भी कानून 10 साल में काम कर रहे थे, कौन सा कानून आपने बना दिया, इसमें इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टर अभी तक आप उस पर कार्रवाई नहीं की, आप क्या क्यों आप भाई ले रहे हो, क्यों CBI इंक्वायरी करने पर आप बोले हुए हो, किसको बचाना चाह रहे हो आप, क्यों आप अपराध शाखा नहीं उसको देखेंगे, NTA निदेशक को हटा दिया गया, CBI इंक्वायरी चल रही है, CBI निदेशक पर कार्रवाई होगी ना भाई, हटा क्यों दिया गया, वो तो इन्वॉल्व है इसमें, आप कह रहे हैं कि NTA निदेशक भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल, जो डायरेक्टर हटाया गया वो इन्वॉल्व है, कंप्लीट पासवर्ड उनके पास था, उसको कैसी बात आप कर रहे हो, उसके साथ में एक और जो है इसी से जुड़ा हुआ सवाल, झारखंड महाराष्ट्र कई जगहों पर जो है जो स्थानीय पुलिस है उसने कई लोगों को आरोपी बनाया है, जाँच कर रही है, वही बात मैं कह रहा हूँ, उसको तो ये टेक ओवर कर लिया और बचाने की के रास्ते निकाल लिए CBI के द्वारा, CBI इनकी तोता है, तो आप कैसे, जब अपराध शाखा इन्हीं का दल कर रहा था तो आप कैसे इसको चाह रहे हो भाई, ये तो गलत है ना, गलत परंपरा है, बिना गवर्नमेंट के दिए हुए आप टेक ओवर कर लिए, 100 मोटो नोटिस ले लिए, ये तो गलत है बिल्कुल, तो आप क्या होना चाहिए, नीट को एकदम रद्द करना चाहिए, एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, अब रद्द करने में इनको क्या प्रॉब्लम है, पहले रद्द करिए ना, पहले जेल भेजिए, रद्द करिए, यानी साफ तौर पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जिनका ये कहना है कि नीट के मामले पर सरकार एक तरह से जो है सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है और CBI जांच को लेकर के एक तरह से जांच लटकाने की कोशिश है और NTA डायरेक्टर पर जो पूर्व डायरेक्टर थे निदेशक थे जिनको हटाया गया है वो सिंह उनके ऊपर गंभीर आरोप उनकी संलिप्तता बता रहे हैं पप्पू यादव और कह रहे हैं कि जो भी दोषी है अभी कार्रवाई होनी चाहिए और नीट को होना चाहिए रद्द और होना चाहिए रीनीट। अंकित गुप्ता, ABP News, दिल्ली। We'll be right back.